तो आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ iPhone 11। ये मुझे फ्लिपकार्ट से डिलीवर हुआ है। इसकी प्राइस 48,999 है। ये तो मैंने पहले ही, मतलब ओपन बॉक्स डिलीवरी थी तो मेरे को पहले ही ओपन करके दिखाया गया था कि इसमें है या नहीं। तो आपको पहले मैं बिल दिखा दूँ कितने का है। और ये बॉक्स तो आप देख सकते हो, बिल देख लो कि उसमें 49,900 लिखा है। मेरा एड्रेस वेड्रेस मैं कुछ भी नहीं हटाऊंगा, मैं सभी दिखाऊंगा। और जो लोग कहते हैं फ्लिपकार्ट से फ्रॉड होता है, वो उनके साथ हुआ है लेकिन मेरे साथ कभी नहीं हुआ। उनके साथ होता होगा लेकिन मेरे साथ आज तक कभी नहीं हुआ। तो ये उसका फर्स्ट लुक iPhone 11 का, मेरा पहला मोबाइल है वो भी एप्पल का। iOS मैं इसमें यूज़ करूँगा अभी, iOS। बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरे को मोबाइल उसके साथ में, लेकिन चार्जर नहीं आया। तो ये नया यूनिट है तो इसकी वजह से मेरे इसमें चार्जर नहीं आया, खाली टाइप सी वाली वायर आई है, लाइटनिंग टाइप सी टू लाइटनिंग केबल वाली। और कुछ डॉक्यूमेंटेशन है और सिम इजेक्टर टूल है। बस इतना ही आइटम मिला उसमें, और क्या वो वारंटी वारंटी लिखा है और एप्पल स्टिकर था। बस एक चीज़ अच्छी लिखी है वहाँ पर, डिज़ाइन बाय कैलिफोर्निया। ये तो मैंने पहले ही ऑन करके देखा था कि ऑन है कि नहीं। नहीं, मेरे पास अभी ग्लास नहीं है, मतलब स्क्रीन गार्ड नहीं है कोई भी ऊपर लगाने के लिए, तो इसलिए मैं उसको भी नहीं निकालूंगा। अब मैं इसको सेटअप कैसे करते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आपको देखना है वो सेटअप कैसे करना है, तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और आई बटन में मैं इसकी लिंक डाल दूंगा।